Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Pranjali Jain, your computer teacher. Today we are going to start a new chapter of class 4th. Class 4th, chapter number 7, word formatting. ठीक है, in the previous chapter हमने पढ़ा था what is MS Word के बारे में पढ़ा था. MS Word में कैसे फॉर्मेटिंग होती है. ठीक है, हमने MS Word में क्या क्या स्टार्ट, कैसे हम MS Word स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, हमने ये सब पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में. ठीक है, अगर अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेटिंग. मतलब फॉर्मेटिंग मतलब होता है चेंजेस करना, अरेंजिंग करना टेक्स्ट में, या टेक्स्ट को मतलब जो हमने लिखा है उसको अरेंज करना, उसको थोड़ा सा और ही उसमें कुछ चेंजेस करना. ठीक है, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा और मोस्ट अट्रैक्टिव लग सके. दिस कैन बी डन. ये कैसे होता है, हमने जो लिखा है इसका फॉन्ट बड़ा या छोटा करना. जैसे कि ये एक छोटा है, अब मुझे इसको बड़ा करना है. ठीक है, ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया. तो ये फॉन्ट का साइज़ बड़ा करना, फॉन्ट को चेंज करना मतलब इटैलिक बोल्ड, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं. फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना, लाइन स्पेसिंग मतलब दो चीज़ें जो लिखी हैं उनके बीच की जो लाइन होती है उनकी स्पेस को चेंज करना, मार्जिन, टैप सेटिंग, टेक्स्ट अलाइनमेंट, लिस्ट क्रिएशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके हेल्प से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट में, हमारे डॉक्यूमेंट में, ताकि वो मोस्ट अट्रैक्टिव लग सके. टू टाइप्स की फॉर्मेटिंग होती है एमएस वर्ड में, कैरेक्टर फॉर्मेट एंड पैराग्राफ फॉर्मेट. कैरेक्टर फॉर्मेट क्या होता है, जो कि सिर्फ एक सेलेक्टेड टेक्स्ट, जैसे मैंने सिर्फ एक ये वर्ड सेलेक्ट किया तो ओनली इस वर्ड पे, इस कैरेक्टर पे, इस वर्ड पे जो इसका टेक्स्ट है इस पे एप्लीकेबल होगा फॉर्मेट, जिसको हम कैरेक्टर फॉर्मेट बोलेंगे. पैराग्राफ फॉर्मेट मतलब मैंने पूरा ये पैराग्राफ को, जैसे मान लो मैंने पैराग्राफ लिखा है, इसको सेलेक्ट करके पूरा एंटायर पैराग्राफ को सेलेक्ट करके इस पे एप्लीकेबल होगी जो भी हमने चीज़ें फॉर्मेट करी हैं. बट इन सबको फॉर्मेटिंग करने से पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्मेट पूरे उस टेक्स्ट को जो जिसमें हमें चेंजेस करने उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा. सेलेक्ट करना, डिसलेक्ट करना मैंने आपको पहले भी बताया था. ठीक है, फॉर्मेटिंग कैन बी डन बाय यूजिंग रिबन बटन्स. रिबन बटन होता है, मैंने आपको बताया था. ठीक है, उसमें एमएस वर्ड जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था रिबन बटन्स कहाँ होते हैं. अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वेयर ट्रैवलिंग थ्रू द वुड्स, मतलब एक ही एग्जाम्पल दे रखा है. जैसे कि ये ना, सॉरी ये तो क्विक रिकॉल है, बस एक एग्जांपल दे रखा है. जैसे एक पूरा पैराग्राफ हमने टाइप किया, फिर टाइप करके इसको सेलेक्ट करके हम इसमें क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं. रिबन बटन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहाँ जाके आप हमारे जो चेंजेस होते हैं वो कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, बहुत सारे वेज होते हैं. ठीक है, ऑफ अप्लाइंग वेरियस काइंड ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, क्या क्या वेज हैं. ठीक है, सम ऑफ दीज आर, कैसे कैसे आप उनको सेलेक्ट करके डिफरेंट वेज से आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. सबसे पहले तो होम टैब में फॉन्ट ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप में उसको यूज़ कर सकते हो. एक मिनी टूल बार भी होता है, मिनी टूल बार मतलब आप माउस को जैसे ही आप जैसे आप टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे तो वहीं पर वो एक ऑप्शन आ जाता है, छोटा सा मिनी से टूल बार आ जाता है. या तो हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसे अपीयर होता है, कंट्रोल प्लस डी करके टाइप करके, सॉरी कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस डी को सेलेक्ट की शॉर्टकट की टाइप वो करें, टैप करें, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ. ठीक है, या तो फॉन्ट ग्रुप होता है डायलॉग, यहाँ पे इसको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, इसमें फॉन्ट स्टाइल, साइज़, कैसे कैसे फॉन्ट है, हम सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं. या फिर शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ करके हम कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ जैसे बोल्ड के हो गए कंट्रोल प्लस बी, अगर हमें अंडरलाइन चाहिए तो कंट्रोल प्लस यू. ठीक है, वर्किंग विद अ फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप का होता है होम टैब पे होता है. होम टैब पे आपका ये फॉन्ट ग्रुप है पूरा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. इटैलिक में अगर आप लिखोगे थोड़ा इटैलिक हो जाएगा आपका जो ये लिखा हुआ, ये थोड़ा सा बस क्या होगा टिल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड करना है आपको थोड़ा सा, आपने जो लिखा है उसको आपको थोड़ा सा डार्क करना है ज़्यादा. फॉन्ट साइज़, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट का कलर चेंज करना है आपको, हाईलाइट करना है, बहुत सारी इसमें चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं. अगर हमें इनमें से कोई भी चीज़ को हमें यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा.
क्योंकि चेक को सेलेक्ट करके जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप उस पर क्लिक किया वो चेंजेस हो जाएंगे। चेंज फॉन्ट टाइप फेस एंड साइज, अगर हमें फॉन्ट में जो हमने जो लिखा है इसका जो लिखाने का जो स्टाइल है हमें ये चेंज करना है और इसकी साइज़ चेंज करनी है तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको जो कोई एक जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करना होगा। क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट नेम एंड चूज अ फॉन्ट। फिर क्या होगा, आपका जो यहाँ पे फॉन्ट है फॉन्ट के यहाँ पे एक एरो दे रखा होता है, इसको सेलेक्ट करोगे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इनमें से जो आपके विल हो आप उनको सेलेक्ट कीजिए। और जैसे जैसे आप उसको सेलेक्ट करोगे ना तो वो एक ना आपको एक हाईलाइटिंग भी बताता रहेगा आपके टेक्स्ट पे, मतलब जब तक क्लिक नहीं करोगे लेकिन आप सिर्फ उस पर माउस को लेके भी जाओगे तो आपका फॉन्ट टाइप फेस क्या होगा चेंज होता रहेगा और वो आपको बताता रहेगा, इसका ऐसा प्रीव्यू हमें दिखेगा, ठीक है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा वो चेंज भी हो जाएगा जो आपने स्टाइल चेंज किया। साइज़ चेंज करना है तो साइज़ पे भी वही फॉन्ट के पास में होता है, जस्ट पास में नंबर दे रखा होता है, एरो दे रखे हैं वहाँ पे, एरो पे क्लिक करोगे तो साइज़ आ जाएंगे बहुत सारे 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितने भी आपको जैसे चाहिए वैसा, अपने विल के अकॉर्डिंग आपको इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है जो भी करना है क्लिक कीजिए। या फिर उसके पास में एक और बटन होता है ए, छोटा एक बड़ा ए बना होगा और एक छोटा ए बना होगा, तो उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग अगर आपको साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़ करना है उसके, इसमें क्या होता है ये जो बड़ा ए और छोटा ए रखा है इसमें 1-1 पॉइंट इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। नाउ अगर हमें फॉन्ट स्टाइल या इफेक्ट चेंज करना है तो कैसे, इस फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट स्टेट मतलब क्या, बोल्ड करना है आपको, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है। बोल्ड में तो वही हो जाएगा डार्क हो जाएगा, अंडरलाइन में वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी और इटैलिक में क्या हो जाएगा थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वही सेलेक्ट करना है जो भी आपको चेंजेस करने हैं जिसमें, फिर फॉन्ट स्टाइल होती है फॉन्ट ग्रुप रिबन में, रिबन के अंदर फॉन्ट ग्रुप मैंने बताया आपको, वही जो आपका जो फॉन्ट है फॉन्ट के नीचे ही होता है, तीन ऑप्शन होते हैं बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन, जो भी आपके विश हो उसको आप सेलेक्ट कीजिए। नाउ सेकंड वर्जन चेंज टेक्स्ट कलर, अगर आपने जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपका जो ये जो तीन ऑप्शन है बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन, इसके जस्ट नीचे ही आपका कलर वाला ऑप्शन भी होता है, ठीक है। उस पर आपको सबसे पहले तो वही आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है कलर बटन पे, आपको ये कहाँ मिलेगा आपको फॉन्ट ग्रुप में, रिबन के फॉन्ट ग्रुप में, उसमें आप एरो आएगा आपको नीचे वहाँ पे कलर वाले पे एरो है, एरो को सेलेक्ट कीजिए क्लिक कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे, उस कलर्स पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग उसमें जो भी आपको कलर चाहिए उसको चेंज कर सकते हैं। नाउ हाईलाइट टैक्स, अगर आपको कोई टैक्स है उसको हाईलाइट करना है मतलब उसको अलग से ही शो करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे, सेलेक्ट कीजिए सबसे पहले तो अपने टैक्स को, हाईलाइट बटन होता है वही फॉन्ट ग्रुप में ही होता है ये हाईलाइट बटन आपका, ठीक है। वहाँ पे उस क्या करना है आपको हाईलाइटर पे क्लिक करके अपना जो हाईलाइटर का मतलब कलर चेंज कर दो तो क्या होगा वो आपको एक अलग ही तरीके से आपको पूरे पैराग्राफ में दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा आपको कोई चीज़ अगर हाईलाइट करनी है मतलब अच्छे से दिखानी है उसको और अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कॉपी फॉर्मेटिंग, जैसे अगर हमें अपने फॉर्मेट को अपने जो जो हमें जो फॉर्मेटिंग करी है उसको कॉपी करना है तो कैसे करेंगे, इफ़ यू हैव ऑलरेडी फॉर्मेटेड टेक्स्ट द वे यू वांटेड वुड लाइक अनदर पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू हैव, मतलब एक पैराग्राफ है मैंने उसमें फॉर्मेटिंग कर दी और मुझे ये सेम फॉर्मेटिंग मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ में भी चाहिए तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, एक सिंपल से स्टेप है, उस फॉर्मेटिंग को क्लिक करें सेलेक्ट करें, ठीक है, जिसको भी आपको कॉपी करना है, क्लिक द फॉर्मेट पेंटर इन द क्लिपबोर्ड फॉर्मेट, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिबन में होम टैब में एक ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। द माउस पॉइंटर टर्न्स इनटू अ पेंट, इसमें क्या होगा आपका जो माउस होता है माउस पॉइंटर किस में चेंज हो जाएगा पेंट ब्रश में चेंज हो जाएगा। नाउ फिर क्या करना है, अप्लाई द कॉपी फॉर्मेट बाय सेलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड क्लिक एंड ऑटो, सिंपल सी चीज़ करनी है हमें, उसके बाद ये वो क्या होता है वो सेलेक्ट हो चुका है, अब हमें इस फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे वाले में सेलेक्टिंग द टेक्स्ट जहाँ जो हमने सेलेक्ट कर रखा है दूसरा टेक्स्ट जहाँ पे हमें ये कॉपी करना है वहाँ जाके हमें सिर्फ सेलेक्ट करके उस पर क्लिक कर देना तो वो क्या होगा फॉर्मेट वहाँ पे जाके कॉपी हो जाएगा। अब मुझे जो मैंने फॉर्मेटिंग करी है उसको मुझे क्या करना है क्लियर करना है, मुझे नहीं चाहिए ये फॉर्मेटिंग तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक सिंपल सा है चीज़ है, सबसे पहले तो उस फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कीजिए जो आपने भी करी है जो आपको नहीं चाहिए
और फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन, जो मैंने बताया साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए एक ऑप्शन होता है, जब छोटा है और बड़ा है उसके जस्ट पास में एक ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी क्या होगी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। हमने सीखा कि आप फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, मतलब कि आप चेंजेस अगर हम आपको टेक्स्ट को करने हैं डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव बनाएं तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं। होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं PDF में सेंड करूँगी, आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, बुक वर्क आपको बुक में ही करना है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।